नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। आईटी मिनिस्ट्री ने 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया। इनमें 4 पाकिस्तानी बेस्ड यूट्यूब चैनल है। मंत्रालय ने कहा है कि ये चैनल भारत की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और विदेश संबंधों के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। ये पहला मौका है जब 18 भारतीय यूट्यूब चैनलों को आईटी नियम 2021 के तहत बैन किया गया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकतंत्र समाज के लिए कांग्रेस का पुनरुद्धार जरूरी, पार्टी में एकता के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। बैठक में मौजूदा राजनीतिक स्थिति और संसद के दोनों सदनों में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। NCERT की किताब में हर्ष मंदर की लिखी कहानी छापने पर हुआ विवाद। 9वीं क्लास की किताब में एक चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा हर्ष मंदरा ने लिखा है। शिकायत में ये बात उठाई गई थी कि किताब में ऐसे शख्स की लिखी स्टोरी कैसे छापी जा सकती है जो कि देश में चिल्ड्रन होम्स चलाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी हो। राजस्थान के जैसलमेर में एक बस करंट की चपेट में आ गई। बस में बैठे यात्री नवरात्रि पर देवी माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे। बस में जगह भर जाने के बाद कुछ लोग छत पर भी बैठे थे। यही लोग बिजली के तार पर संपर्क में आ गए। 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 8 लोग गंभीर हैं। पाकिस्तान में संसद भंग होने के बाद अब नए सिरे से होंगे चुनाव। इमरान के करीबी नेता 90 दिन में चुनाव कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इतने कम समय में चुनाव कराने पर असमर्थता जताई। चीन में कोरोना हुआ बेकाबू, संक्रमित मरीजों का टूटा रिकॉर्ड। कई जगह सेना ने संभाला मोर्चा। शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,581 केस दर्ज किए गए। कई प्रांतों में बेहद ही खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला गया जिससे लोगों के बीच एक बार फिर दहशत का माहौल है। पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफा लगातार जारी। 15 दिन में 13वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। इस तरह से 2 हफ्तों में ईंधन 9.20 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल कीमत में 80 पैसे की वृद्धि हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 4 आतंकी मारे गए। इन हमलों में एक जवान शहीद हो गया जबकि एक जवान जख्मी है। वहीं अन्य हमले में एक कश्मीरी पंडित और 4 मजदूर घायल हैं। ये हमले कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर में हुए। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में नवरात्र और रमजान के पवित्र महीने में मांस की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। निगम ने मंगलवार से इस दिशा निर्देश को सख्ती के साथ क्षेत्र में लागू कराने का निर्देश दिया। लंबी दूरी की ट्रेन में अब चादर और कंबल के लिए यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही यात्रियों की निजता को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सभी कोच के कंपार्टमेंट में पर्दा लगाने का निर्णय लिया। उत्तर रेलवे ने विभिन्न दिशाओं में चलने वाली 92 ट्रेन के कोच में पर्दा लगाने और 26 ट्रेनों में चादर कंबल तकिया सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने दिया इस्तीफा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी। वहीं सोमवार को इमरान खान ने पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नामित किया। हालांकि विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने इस प्रक्रिया को अवैध बताया। चीन में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच वायरस का नया वेरिएंट भी खुला। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसे BA.1.1 नाम दिया गया। अभी तय नहीं है कि ये ओमिक्रॉन का ही बदला हुआ रूप है या कोई और नया वेरिएंट है। हालांकि अब तक मिले किसी भी वेरिएंट से ये मेल नहीं खाता। राजधानी दिल्ली में CNG कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। CNG के दामों में 2.05 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब दिल्ली में CNG के दाम 64.11 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा, निजी स्कूलों में नर्सरी और पहली कक्षा तक की 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए होगी आरक्षित।
आवेदन करने की तारीख 16 से 25 अप्रैल होगी। लॉटरी ड्रॉ 29 अप्रैल को होगा। भारतीय सेना में ग्रुप सी के रिक्त पदों पर भर्तियां। एनडीसी स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास और रसोईया एमटीएस चौकीदार लश्कर जैसे पदों पर भर्ती के लिए 10वीं पास की योग्यता होनी जरूरी है। आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल बताई जा रही है। बीते साल 12वीं पास कर चुके छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले को लेकर बड़ी राहत मिलने जा रही है। ऐसे छात्र जिन्होंने बीते साल 12वीं पास की लेकिन दाखिला मिलने से वंचित रहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में दाखिला ले सकेंगे। ड्यू ने ऐसे विद्यार्थियों को भी बीते साल की तरह दाखिले में हिस्सा देने का अवसर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन आधार को लिंक करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी लेकिन अब मुफ्त सेवा नहीं होगी। पैन कार्ड अब 2023 तक इनवैलिड नहीं होगा। अब 1 अप्रैल 2022 से आपको पैन आधार लिंक के लिए जुर्माना भरना होगा। पहले 500 रुपये और अब फिर 1000 रुपये का जुर्माना भरकर लिंक करा सकते हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इस साल शादी करने जा रहे हैं। उनकी शादी इस साल की सबसे बड़ी शादी होने वाली है। बीते काफी वक्त से रणबीर और आलिया के फैंस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली। 2019 में एक पत्रकार के साथ बदसलूकी करने के मामले में लोअर कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। हाईकोर्ट ने इस पर 5 मई तक के लिए रोक लगा दी। कॉमेडियन भारती सिंह मां बन गई। हाल ही में उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। ये खबर खुद भारती सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने फैंस को बताई। इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए भारती और हर्ष ने बताया कि वो एक बच्चे के माता पिता बन गए। शेयर बाजार में दिख रहा उतार चढ़ाव। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन दिखी थी बढ़त और लाल निशान के पास। लाल सेंसेक्स 60,370 के पास प्रिंट कर रहा। वहीं निफ्टी 18,000 के पास। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं अगले 5 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश और तेज आंधी का कारण बनेंगी। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित भारत के कई इलाकों में लू चलने की संभावना। HDFC लिमिटेड ने HDFC बैंक में प्रस्तावित विलय से दोनों वित्तीय संस्थानों के साथ ग्राहकों को भी फायदा होगा। विलय के बाद बनने वाली संयुक्त इकाई के ग्राहकों को सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाओं एक ही मंच पर दी जाएगी। टाटा मोटर्स 6 अप्रैल को एक नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने जा रही कंपनी के इसके ढेर सारे टीजर इमेज भी जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस दिन नेक्सॉन EV कूपे को पेश करेगी। ये कंपनी की टाटा नेक्सॉन SUV की ही कूपे स्टाइल वर्जन होगा। रूस से जंग में यूक्रेन बर्बाद हो गया। यूक्रेन में चल रही जंग की अब तक की सबसे भयावह तस्वीर मिली बूचा से, जहां नरसंहार के सबूत मिले हैं। रूसी सैनिकों के जाने के बाद यहां एक साथ 410 से ज्यादा लाशें मिली। अब इन लाशों को दफनाने के लिए 45 फीट लंबी कब्र कीव में खोदी जा रही। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।